उन्ना सोमवार को देर रात आई कोविड 19 की रिपोर्ट से एक बड़ा विस्फोट किया है, जिसमें 26 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिनमें जिला के बटोली गांव के ही एक साथ संपर्क में आने के चलते 16 पॉजिटिव निकले हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी रमन शर्मा की माने तो एक टैक्सी चालक की लापरवाही के कारण ही 16 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जो कि ये अब तक की सबसे बड़ी चिंता की बात है। स्वास्थ्य अधिकारी रमन शर्मा ने कहा कि जो लोग होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करेगी। इसके साथ साथ जिले के अलग अलग गाँवों में भी करीब 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में सोमवार देर रात तक 26 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं उन्ना के विजिलेंस ऑफिस में एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के कारण आगामी आदेशों तक विजिलेंस ऑफिस बंद करने की जानकारी है। इसके साथ ही अब तक की विभागीय रिपोर्ट के अनुसार जिला उन्ना में कुल 243 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 160 रिकवर हो चुके हैं और 83 मामले एक्टिव हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार जारी है। जी सर, ऊना के अंदर सर आज ब्लास्ट हुआ है, 26 केस एक साथ पॉजिटिव आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारे ऊना में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन 26 केसों की अगर देखा जाए तो 16 केस जो हैं वो हमारे एक ही गांव बटोली से आए हैं, और ये एक ही जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं सभी, और जो एक केस पॉजिटिव था यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसी की वजह से लापरवाही से उसकी ये सभी जो है इन्फेक्ट हुए हैं। और बाकी जो हैं 3 हमारे केसेस कोटला कलां से आए हैं, 2 डंगोली से हैं, 2 हमारे पंजावर से हैं, एक रक्कड़ कलोनी से है, ऊना से, और एक स्लो से है। ये जो केसेस हैं बाकी स्पोरेडिक है स्प्रेड, उसमें हमें कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन जो एक पॉजिटिव केस की वजह से 16 केस हुए हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारी जो होम क्वारंटाइन के नियम है उनको ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे और पुलिस से भी कहेंगे कि उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए जो होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन नहीं करते। सर अभी देखा गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो स्प्रेड हो रहा है, सर क्या इसके लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सर आगे? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग अपने घर से, जब होम क्वारंटाइन किया है, वो घर से बाहर ना निकलें, और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनसे दूरी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि लोगों में डर जो है कम हो गया है काफ़ी। रक्षाबंधन के समय में भी बाज़ारों में खूब भीड़ थी, लोग प्रॉपर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो हाथ बार बार धोने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहनें, ये उतना ही ज़रूरी है जितना हम आज से 3 महीने पहले कह रहे थे, अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह समथिंग कुछ? ये कुछ एक लोग तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, यहीं पे ही जो लोग आए हैं इनके संपर्क में, पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं। एक जम्मू से आए हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जम्मू की है, बाकी ये लोकल यहीं के रेजिडेंट थे, जो कि जिनके पॉजिटिव कॉन्टैक्ट, जिनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं पॉजिटिव आए हैं, उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं ज़्यादातर। ये जो बटोली गाँव के हैं, यही गाँव के लोग जो हैं मिक्सअप हुए हैं, और ये टैक्सी ड्राइवर बाकी लोगों से मिक्सअप हुआ है, इसी ने जो ज़्यादा स्प्रेड किया है। अदरवाइज बाकी फैमिली मेंबर से ही ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन मिला है। तो सर ये सारे के सारे इंश्योरेंस क्वारंटाइन थे और कि होम क्वारंटाइन थे? हाँ, ये सभी जो हैं फैमिली मेंबर्स थे, और इनको हिदायत दी गई थी कि इनका जो पॉजिटिव केस है उसको अलग कमरे में रहना है, अलग करना है, लेकिन किसी वजह से प्रॉपर इनका पालन नहीं हुआ होगा तभी ये लोग पॉजिटिव आए हैं। और इनको आगे से हम होम क्वारंटाइन के नियमों को और सख्त करेंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्ना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुवाला की विशेष रिपोर्ट।